चल हफ्ता निकाल। हफ्ता? मैडम अभी कुछ दिन पहले तो मैंने आपको हफ्ता दिया था, अभी दोबारा? हाँ दोबारा, तो चल निकाल। मैडम ऐसे मैं आपको दो दो बार अगर हफ्ता दूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा अपन? देख वो सब ना मुझे नहीं पता, चुपचाप हफ्ता निकाल। देखिए मैडम पैसे तो नहीं है मेरे पास। देख ज्यादा ना होशियार मत बन, वरना अभी कांस्टेबल को बुला के तू और तेरा ये खेला दोनों को ही जेल में भिकवा दूंगी, समझा? मैडम मेरी बात समझो, मुझ पर पैसे नहीं है देने। देख मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने के लिए, तो चुपचाप हफ्ता निकाल, समझा? निकाल पैसे। ए ये सब क्या कर रहा है? मैडम हफ्ता दे रहा हूँ, लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास देने के लिए, तो जो ये चीजें हैं वही दे रहा हूँ, और बिना पैसे लिए आप यहाँ से जाने वाले हो नहीं। तो ये लीजिए आप हमारी शर्ट। चुपचाप अपने कपड़े पहन, समझा? फालतू का यहाँ ड्रामा मत क्रिएट कर। अरे अरे चिंता मत कीजिए मैडम, एक काम करिए ना, आप हमारा ठेला भी ले जाइए, इसमें है आइसक्रीम, ठीक है? बहुत आसान है, आप इसको किसी भी गली में जाएंगे ना बेचेगा, चिल्लाना है सिर्फ आइसक्रीम, ऐसे करेंगे ना मैडम सारी आइसक्रीम बिक जाएंगी, आप ये ठेला भी ले जाएंगे। बोला ना ये सब नहीं चाहिए, क्या बदतमीजी कर रहा है तू? बदतमीजी? अरे मैडम बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपको पैसा दे रहे हैं। अब देखिए पैसा है नहीं देने के लिए, तो हमने आपको ये दे दिया, ठेला दे दिया, अपने कपड़े दे दिए, और क्या दे सकते हैं? नहीं चाहिए, कपड़े पहन चल। अरे मैडम याद है हम पैंट दे सकते हैं आपको। ओए पागल सनकी आदमी, क्या कर क्या रही है? ये लीजिए मैडम पैंट। चुपचाप हमने कपड़े पहन। अरे नहीं नहीं मैडम हमारी बात सुनिए, देखिए आप ऐसे हमसे बार बार हफ्ता लेंगे तो भिखारी तो हम कुछ दिन में बन ही जाएंगे, तो हमने सोच लिया आज से ही स्वीकार कर लें हम भिखारी हैं, बताइए। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? नमस्कार भैया। भैया मैडम हमसे हफ्ता लेने के लिए आए थे यहाँ पे, हम यहाँ ठेली लगाते हैं ना, अब पैसे तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, तो हम ये कपड़ा और ये रेहड़ी मैडम को दे दिए। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, बड़ा सनकी आदमी है, मैंने बस इसको इसके ठेलों को साइड करने के लिए बोला था, रोड पे लगा रखा है इसने, और कुछ नहीं, रख अपने ये सब, नहीं चाहिए मुझे, हट। नहीं नहीं अरे मैडम ले जाइए मैडम कपड़े कपड़े ले जाइए मैडम। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।